Hi friends, welcome back to our YouTube channel Yogi India Fitness Center. In this video, share free diet plan for weight loss. This diet plans both male and female. इसी के लिए हम बात करेंगे डाइट प्लान को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि वाटर मिनरल्स एंड जो भी ये कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में सबको पता है ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, बट हमें पता नहीं होता कि कब क्या खाना है और कैसे खाना है, जिसके कारण हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना है, किसे अवॉइड करना है, तो दोस्तों जैसे कि हम कुछ खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा वो स्टोमस तक पहुँचता है, और जो भी फूड खाते हैं उसमें क्या होता है ग्लूकोज, और ये हमें एनर्जी देता है, और जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज एनर्जी ना देके ग्लूकोज ना रखे क्या हो जाता है ग्लाइकोजर, क्या हो जाता है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, जब हमें एनर्जी नहीं देता, जबकि हमारे फैट सेल को, जबकि हमारे बॉडी का ये फैट सेल होता है, फैट सेल को बढ़ाने में मदद करता है, पर हमारा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम अपना फैट को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे क्या ब्रेकफास्ट में क्या लें, डिनर में क्या लें और लंच में क्या लें, सारे को पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे क्या अवॉइड करना है क्या अवॉइड नहीं करना है। हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं हम डेली रूटीन को लेकर, जब कैसे अपने डाइट फॉलो करेंगे और कैसे क्या करेंगे कि अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं, और हमारा सबसे इजी डाइट प्लान है लो कॉस्ट का, जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट प्लान है, और बहुत ही लो बजट का डाइट प्लान है जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एवरीडे स्टार्ट करना है प्रे टू गॉड, जिसको आप मांगते हैं, जो भी गॉड है जिसको भी आप प्रे करते हैं, आप उसको प्रे करें, जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, किसी भी वर्क करने में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आसानी से किसी भी काम को आप आसानी से कर सकते हैं। देन सेकेंड है वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी पीना है 2 से 3 ग्लास, यदि पॉसिबल हो तो आप उसमें हनी या फिर लेमन ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार, 2 से 3 बूंद लेमन यूज कर सकते हैं, जो आपको बॉडी एनर्जेटिक करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है, और यह आपके जैसे वार्म गर्म वाटर पानी है जिससे कि आपका इंटरनल ऑर्गन को अच्छे से फंक्शन करने में भी यूजफुल साबित होगा, तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं सुबह। और सेकंड में आता है, आप यदि आप शौकीन है चाय या कॉफ़ी का, तो आप इसको जब तक डाइट प्लान फॉलो करते हैं तब तक आप इसको टी या कॉफ़ी को अवॉइड करें, स्किप करें, उसको आप ना ही लें तो बेटर है। देन आफ्टर आप फ्रेश हो जाइए टॉयलेट जाने के बाद, देन आपको एक्सरसाइज मस्ट कंपलसरी है 20 मिनट योगा एंड एक्सरसाइज करने का, आप आई बटन कर दे रखा मैंने, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कौन सा एक्सरसाइज करना है या फिर योगा करना है, आप जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे इस तरह एक्सरसाइज और योगा बहुत अवेलेबल है वेट लॉस करने के लिए। देन आता है ब्रेकफास्ट, मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया डाइट प्लान लेकर आया है ब्रेकफास्ट, जो आपका लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, साथ ही साथ हाई प्रोटीन है, देन इसमें लो कैलोरी है भी, और लो बजट में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले ओट्स कर सकते हैं आप, ओट्स का ओवर नाइट वाटर में रख सकते हैं या फिर मिल्क के डाल साथ, इसमें आप क्रीम निकाल के आप उसमें ओवर नाइट रख सकते हैं, और सुबह उसमें आप स्वीटनेस मिक्स कर सकते हैं, आप चीनी या फिर दर चीज़ ना ऐड करें, आप हनी फ्रूट्स या दर कोई फ्रूट्स, आप एप्पल पाइन एप्पल कोई भी ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार है जो भी। देन आप क्या ना शुगर फ्री टी ले सकते हैं आप, या फिर ग्रीन टी यूज़ करिए, आप टी के शौकीन हैं तो आप ले सकते हैं ग्रीन टी, जो बहुत ही हेल्पफुल है आपको वेट लॉस करने में, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप हाई प्रोटीन यूज़ ईग ले सकते हैं, बट हाँ आप यूग के जो पीला पर्सन होता है आप उसको अवॉइड करें, उसको आप निकाल दें, और वाइट पर्सन को लें जो हाई प्रोटीन यूज होता है उसको आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप ओवरनाइट पानी में डाल के रख सकते हैं काला चना मूँग सोयाबीन सीड मूँगफली का, आप इसमें डाल के ओवरनाइट डाल के फूलने के बाद आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा
हाई प्रोटीन युक्त है सारी चीज़, आप ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं। लेना लंच में आप ले सकते हैं क्या, रोटी, दलिया, दाल जो हाई प्रोटीन युक्त है, दाल आप कोई भी किसी का भी दाल ले सकते हैं, चना दाल, मूंग दाल, जो आपको आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस दाल को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल आप कुछ भी ले सकते हैं। और सलाद, सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ले सकते हैं, सलाद को लीजिए। और देन आप कर्ड से दही भी ले सकते हैं, आप इस सब चीज़ लेके आप लंच को कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना, जैसे कि बॉयल चना चाट, आप बॉयल किया हुआ चना ले सकते हैं। साथ ही ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, जो वेट लॉस करने बहुत ही यूजफुल है ग्रीन टी, वाइट एग, और साथ ही साथ मखाना, मखाना भी आप भून के जब जब आपको भूख लगता है आप मखाना का यूज़ कर सकते हैं। अपने साथ मखाना रखें, यदि आपको भूख लगता है मखाना ले सकते हैं, भुना चना ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूजफुल है, आप ये सब ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है, यदि आपको ज़्यादा भूख लगता है तब दो चीज़ को भुना चना और मखाना का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि हर जैसे कि स्नैक्स, स्नैक्स से पहले एक घंटे पहले आप एक गिलास वार्म वाटर या फिर 1 से 2 गिलास वार्म वाटर यूज़ करें, और लंच से पहले भी आप 1 से 2 गिलास वार्म वाटर यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तभी आपको वेट लॉस कम करने में आसानी होगा। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में जैसे हमें लाइट लेना है, हल्का खाना खाना है, जिससे कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम धीरे धीरे वीक होता जाता है, जैसे नाइट हो गया। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि 8 to 8:30 तक आपको डिनर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा वेट धीरे से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इसके कारण हमारा डाइजेस्ट सही टाइम पे नहीं हो पाता और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए खाना को पचा के ही सोइए, इसलिए खाना आप 8 से 8:30 बजे के बीच में आप खाना कंप्लीट कर लें। तो वही लाइट लेना है, इसमें क्या लेना है, जिसमें दलिया ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, और साथ ही साथ दाल का यूज कर सकते हैं। ये हमारा डिनर हो गया। साथ ही साथ क्या अवॉइड करना है इसके बारे में भी जान लें। आपको अवॉइड करना है जैसे कि ऑयल से बना कोई भी फूड ना लें, और ज़्यादा तला सामान ना खाएं, शुगर और साल्ट को ना के बराबर ही ले, शुगर तो ले ही नहीं, साल्ट अपने स्वाद के अनुसार ले सकते थोड़ा सा, और मैंगो, साथ साथ राइस, जब तक आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं आप राइस का यूज़ ना करें। प्रोसेसिंग फूड को आप बिल्कुल अवॉइड कर दें, जंक फूड को भी बिल्कुल अवॉइड कर दें, इन सारी चीज़ को नहीं लेना है। और साथ ही साथ वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट है कि वाटर 5 से 6 लीटर पानी आप डेली पिए। और साथ ही साथ आपको तो क्या फ्रूट लेना है, क्योंकि ये हम ऐसे ऐसे फ्रूट्स का नाम लिखा है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है और आपको हेल्दी बनाए रखेगा, भूख थोड़ा डिले लगेगा, जैसे कि आप पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स और वाटरमेलन का यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करके आप आसानी से अपना वेट लॉस कम कर सकते हैं। सो थैंक यू।